नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको टेंस में कुछ भी नहीं मालूम, आपको कुछ भी नहीं पता कि टेंस क्या है, ठीक है, और टेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो इससे पहले आपको इस वीडियो के यानी कि इस ट्यूटोरियल के आपको दो पार्ट मतलब पहले से अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर, ठीक है, पार्ट वन तथा पार्ट टू, तो आप इस पार्ट को देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वाज वर। दोस्तों, यह जो है आपको पास्ट टेंस में मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करते हैं, तो इसकी पहचान जो होती है वो होते हैं, ठीक है, वाक्यों के अंत में आपको था थी थे मिलेगा, ठीक है, वाक्यों के अंत में आपको के अंत में था थी थे, ठीक है। दोस्तों, इतना ही इसका पहचान है। अगर किसी भी वाक्यों के अंत में था थी थे, ठीक है, आता है, इसमें आपको वर्ब नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें वर्ब यानी कि क्रिया, दोस्तों क्रिया आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, नहीं होती है, ठीक। तो यहां पर हमें पहचानने का तरीका यह है कि किसमें यूज ऑफ वाज वर्ब का यूज होगा, ठीक है, किस वाक्य में। तो यहां पर पहचानने का तरीका यही है, था थी थे लास्ट में तो आएगा ही आएगा, बट उसमें आपको क्रिया नहीं मिलेगा। अगर क्रिया मिलता है तो वह जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, या फिर पास्ट टेंस के और भी प्रकार में जा सकता है। दोस्तों, हम सारे टेंसों को पढ़ेंगे इस चैनल पर बारी बारी से, कि जिनको मतलब बेसिक से नहीं आता है उनको कैसे सिखाया जाए ट्रांसलेशन करना, वो जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। स्टूडेंट है और आपने अभी तक टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहां पर आपको गारंटी है 100% की, ठीक है, मैं आपको ट्रांसलेशन करना सिखा दूंगा, ठीक है, हार्ड से हार्ड ट्रांसलेशन करना मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए दोस्तों, यहां पर हम पहचान के बारे में बात कर लिए हैं, इसके अंत में था थी थे आएगा, ठीक है, और यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं नियम, ठीक है। तो नियम के बारे में अगर हम बात करें, तो चलिए हम यहां पर नियम देख लेते हैं कि इसका नियम क्या कहेगा, ठीक है, तो यहां पर हम नियम लिख देते हैं, ठीक। नियम में दोस्तों क्या आएगा, आपको एक वचनकर्ता के साथ वाज तथा बहुवचनकर्ता के साथ वियर का प्रयोग करना है, ठीक है, लिख लेता हूं। वैसे यार यहाँ पर हमने नियम लिख दिया है, नियम यह है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यानी कि हिंदी में कहें तो एक वचन कर्ता के साथ वाज तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ बियर यानी कि वर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इसका नियम बिल्कुल आसान है, ठीक है, एक वचन होगा तो वाज और बहुवचन होगा तो वियर का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका वाक्य का प्रारूप देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य का प्रारूप मैं आपको दिखा देता हूँ, वाक्य का प्रारूप। दोस्तों, कुछ लोग जो होते हैं ये वाक्य का प्रारूप को यहाँ पर मतलब ध्यान से नहीं देखते हैं, और सारी जानकारियां यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने वाक्य का प्रारूप को अच्छे से ध्यान से समझ लिया ना, तो आपको नियम वगैरह पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्रांसलेशन कर ले जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप यानी कि हम लिखते हैं वाज या वियर, वाज या, ठीक है, वियर यानी कि वी आर ई, ठीक है, वर, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे अदर वर्ड, उसके बाद यहाँ पर बस, देन यहाँ पर इतना ही सारा हमारा ये चीज है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना कि जो हमारा ये मतलब वाक्य का प्रारूप होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसी के हिसाब से हम सेंटेंस को आपस में सेंटेंस का तालमेल आपस में बैठा सकते हैं, ठीक है, थीके? अगर आपको ये पता है तो आप ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे, ठीक है, अगर नहीं पता है तब भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, बस आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई अब एग्जाम्पल ले लेते हैं दो चार, उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि हमने पहचान में पहले आपको बता दिया कि जो है पहचान होगी वो था थी थे होगी, और यहाँ पे इसमें वर्ब नहीं होगा, तो आप यहाँ पर दो तीन एग्जांपल हमने लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ब नहीं ली गई है। दोस्तों, आपको यहाँ पर दूसरा जो हमारा सेंटेंस है ये थोड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, बट ये बिल्कुल बड़ा नहीं है, जो भी बड़ा है हम इसे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम पहले अपने सेंटेंस पे देखें, तो यहाँ पर लिखा है मैं कल बाजार में था, सब यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वाज या वियर लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बाद में अदर वर्ड लिख देंगे। हमारा सब्जेक्ट दोस्तों यहां पर मैं, तो मैं के साथ यहां पर आई लगता है, यानी कि मैं की अंग्रेजी आई होता है, और यहां पर अगर इज आर एम का प्रयोग होता है तो यहां पर हम आई एम लगा देते, बट यहां पर आई को यहां पर एक वचन माना गया है, ठीक है, सिंगुलर नंबर माना गया है, तो हम इसे यहां पर लिखेंगे वाज, ठीक है, आई वाज, ठीक है। यहाँ पर बाजार यानी कि यहां पर आई वाज, उसके बाद क्या लिखना है, हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा है बाजार में, तो यहां पर इन द मार्केट लिखेंगे, ठीक है, मार्केट। अब दोस्तों यहां पर ये कल है यानी कि बीता हुआ कल है, तो हम यस्टरडे लगा देंगे यहां पर, यस्टरडे। दोस्तों यहां पर ये हमारा सेंटेंस बन गया। दूसरा है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो यहां पर लिखेंगे अखिलेश यादव वाज,
दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री यानी कि यहाँ पर हमारा अखिलेश यादव क्या है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या लग गया, वाज लग गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा है मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर लिखेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश का हमने शॉर्टकट फॉर्म का लिख दिया, यूपी लिख दिया, तो यानी कि यहाँ पर अखिलेश यादव ठीक है वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, यहाँ पर ये यह हो गया। बहुत ही आसान था, है ना, मतलब देखने में बड़ा लग रहा था बट आसान बहुत ही ज्यादा था। यहाँ पर राम अयोध्या के राजा थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम। अब राम क्या दोस्तों, हमारा एक वचन है, तो इसके साथ लगेगा यहाँ पे वाज, यहाँ पर अयोध्या के राजा, तो यहाँ पर लग जाएगा किंग ऑफ अयोध्या, किंग ऑफ अयोध्या। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया राम वाज किंग ऑफ अयोध्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आई। चलिए हम देखते हैं अपना नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये तो अफर्मेटिव के लिए था, अब यहाँ पर हमें देखना है अपना नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है। ठीक है, पहचान दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अगर थोड़ी शॉर्टकट में बता दूँ, तो पहचान में नेगेटिव मतलब सभी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि नेगेटिव में क्या होता है दोस्तों, नॉट लगा होता है। क्या लगाता है, नहीं शब्द आता है, अगर हिंदी में बात करें तो नहीं शब्द आता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं शब्द आता है, नहीं शब्द आने से हमारा क्या हो जाएगा, ये चीजें नेगेटिव बन जाती है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि नहीं आएगा, तो इसे हमको पता चलना जाना चाहिए कि ये हमारा क्या है, जो है नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम वाक्य के प्रारूप की बात करें, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम सब्जेक्ट। ठीक है गाइस, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वाज या वर, प्लस में यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, प्लस में हम लिख देंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लिख देंगे हम अदर वर्ड, और लास्ट में यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्या, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए हो गया। अब यहाँ पर इसके भी प्रारूप को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर इसके भी प्रारूप को हम ध्यान देंगे, क्योंकि हर एक सेंटेंस के प्रारूप जो होता है वो हमें मतलब बहुत सारी जानकारियां प्रोवाइड कराता है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, वो सारी जानकारियां जो है हमें इसी से प्राप्त होती है, वाक्य के प्रारूप के ही हिसाब से। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दो चार एग्जाम्पल फिर से ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिया है तुम कल नदी में नहीं थे, यानी कि यहाँ पर भी नहीं शब्द आया, यहाँ पर भी नहीं शब्द आया, और यहाँ पर भी नहीं शब्द आया। इससे हमें पता चल जाएगा, यानी कि पता चल जाता है कि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा है यू, यानी कि तुम, तो यू लिख दिए। उसके बाद यू हमारा बहुवचन में आता है, यानी प्लूरल नंबर में आता है, तो यहाँ पर लगाएंगे वर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तुरंत हम नॉट लगा देंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे नॉट। फिर लगा देंगे क्या दोस्तों, कहाँ पर, तो यहाँ पर नदी में, तो इन रिवर। ठीक है, RIVER रिवर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आज कक्षा में नहीं था, अब यहाँ पर कल की अंग्रेजी बची हुई है। ठीक है, यानी कि कल की अंग्रेजी हमने नहीं लिखी, तो यहाँ पर रिवर के बाद लिखेंगे टुमारो। ठीक है, टुमारो हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला हमारा जो सेंटेंस है, यानी कि एक हो गया, दो, और ये तीन। मैं आज कक्षा में नहीं था, तो आई वॉज नॉट इन द क्लास टूडे। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमने क्या लिखा, आई वॉज नॉट इन द क्लास टूडे, यानी कि मैं आज कक्षा में नहीं था, वह लोग स्टेशन पर नहीं थे, तो यहाँ पर वह क्या क्या होता है दोस्तों, दे होता है। अब दोस्तों कई लोग यहाँ पर ये थोड़े से मतलब कंफ्यूज होते हैं कि लोग की अंग्रेजी पीपल होती है, तो यहाँ पर दे पीपल भी लगा देते हैं, तो आपको यहाँ पर ये नहीं करना, वह के अगर साथ लोग आता है, तो यहाँ पर वह लोग की अंग्रेजी केवल दे होती है। ठीक है, तो वह हमारा क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर दे वियर। ठीक है, यहाँ पर नॉट लिखेंगे, दे वियर नॉट, यहाँ पर स्टेशन पर, तो यहाँ पर यानी कि इन स्टेशन। ठीक है, इन स्टेशन। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया हमारा ये। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट में बचा है हमारा, बचा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यार लगे हाथ वह भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है दोस्तों, बट आप थोड़ा थोड़ा मतलब यहाँ पर थोड़ा टाइम देंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमने लिखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पहले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप उसे जाकर देखिए, वरना आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं समझ में आएगा। वहां पर हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक एसनो टाइप वाले होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों, एसनो टाइप होते हैं, एक एस नो टाइप होते हैं, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू एस टाइप होता है। ठीक है, यानी कि ये टाइप टाइप, और यहाँ पर दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हमारे सेंटेंस होते हैं यानी कि इंट्रोगेटिव के, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि एस नो टाइप के लिए यहाँ पर मैं आपको जो है इसका वाक्य का प्रारूप लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एस नो टाइप। ठीक है, एस नो टाइप के लिए यहाँ पर वाक्य का प्रारूप क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वाज या
वर, यहाँ पर प्लस में लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और प्लस में यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम डब्ल्यू एस टाइप के लिए लिख रहे हैं, डब्ल्यू एस टाइप। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम क्यू डब्ल्यू, और उसके बाद यहाँ पर प्लस में वाज या वर, प्लस में लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हुआ हमारा यानी कि वाक्य का प्रारूप। इसको हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है, नोटिस करे रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया था पहले वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी वो आप देख लेना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कर दी है, यानी कि हमने तीन एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिया है, वन टू एंड थ्री। दोस्तों यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, क्या मैं कल बीमार था। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा मतलब ये एसनो टाइप है, क्योंकि यहाँ पर क्या से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पहले वीडियो देखिए वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या यानी कि सबसे पहले एसनो टाइप है, तो यहाँ पर हम इस वाक्य के प्रारूप को देखेंगे, वाज वर। ठीक है, यानी कि इसमें से क्या लगेगा, तो हमारा सब्जेक्ट मैं है, इसका मतलब यहाँ पर वाज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगेंगे लिखेंगे वाज। ठीक है, अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, तो यहाँ पर आई लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इल यानी बीमार, ऑब्जेक्ट वाज आई इल। अब यहाँ पर कल, तो यहाँ पर हो जाएगा टुमारो, टू मोर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। अगर दोस्तों आपको जो है मतलब वर्ड्स की क्लियरिटी ठीक है अच्छे से नहीं दिख रही है, तो आप मतलब इसका जो है क्लियर वीडियो का क्लियरिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, चलिए तुम कल कहाँ थे, ये डब्ल्यू एस टाइप है, क्योंकि यहाँ पर बीच में कब कहाँ क्यों आया। तो यहाँ पर कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे यानी क्वेश्चन वर्ड, तो हमारा हो जाएगा वेयर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेयर लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, यू बहुवचन है। ठीक, तो यहाँ पर वेयर लगा दिया हमने। फिर हमारा क्या लगेगा, हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर लिखेंगे यू। ठीक, वेयर आर यू कल, यानी कि तो हो जाएगा टू मोरो। ठीक है, टू मोरो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मैं बाजार में क्यों था, यानी कि मैं बाजार में क्यों था, तो यहाँ पर लगेगा व्हाई, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई। उसके बाद लगेगा वाज, उसके बाद इन मार्केट, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया हमारा। दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कुछ भी कहीं पर कोई भी गड़बड़ हो रही है तो कमेंट, यार बस कमेंट, एक कमेंट कर दीजिए, उसके बाद सारी गड़बड़ मैं आपको मतलब बता दूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और बच रहा है, जाना हमारा सेंटेंस, एक सेंटेंस और बच रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि हम उस सेंटेंस को बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा लास्ट सेंटेंस बचता है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ इसमें नेगेटिव भी आएगा। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं, यानी कि पहचान हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहचान, पहचान नहीं लिखा रहेगा, यानी कि नहीं के साथ, ठीक है, आता है, नहीं के साथ आता है। किस में आता है दोस्तों, यहाँ पर इसमें आता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आपको जो है नहीं मिलेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ वो नेगेटिव भी होगा। तो इसका, इसकी पहचान यही है कि इंट्रोगेटिव के साथ नहीं आएगा, है ना, यानी क्या, फिर क्यों, कब, कहाँ, कैसे के साथ आपको नहीं वाला वर्ड भी देखने को मिलेगा। अगर इसके हम नियम की बात करें दोस्तों, इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है, नियम की बात करें, तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको, यानी कि बताते हैं सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यही एक नियम है, अगर आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तब भी आपको अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है तो आपको सबसे पहले यही करना है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट जोड़ देना है, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी टीचर आपका सेंटेंस नहीं काट सकता, चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा, क्या तुम्हारा भाई आज घर में नहीं है, यानी कि क्या भी आया है और नहीं भी आया है, तो ये हमारा हो जाएगा मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारा क्या लगाएंगे, तो हम इस वाले वाक्य के प्रारूप को ध्यान से देखेंगे, है ना, तो सबसे पहले वाज या वर्ड लगता है, तो हमारा तुम्हारा भाई है, लेकिन मतलब तुम्हारा एक ही भाई होगा, तो यहाँ पर वाज लगेगा, है ना, तो वाज योर ब्रदर, योर ब्रदर। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा योर ब्रदर, इसके बाद जस्ट हम क्या लगाएंगे, नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट भी हमने लगा दिया। अब कहाँ पर नहीं है, घर में नहीं है, तो यहाँ पर इन होम लिख देंगे दोस्तों, इन होम। उसके बाद दोस्तों आज है, तो यहाँ पर हम सबसे लास्ट में लिख देंगे टू डे। दोस्तों यहाँ पर ये बन चुका है आपका ट्रांसलेट। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि आपको पास्ट टेंस का जो है आपको ये ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, ठीक है, प्रेजेंट टेंस यानी कि यूज ऑफ इज आर एम, यूज ऑफ इज का यूज कैसे करते हैं, आर का यूज कैसे करते हैं, और दोस्तों तथा एम का यूज कैसे करते हैं, ये हमने आपको दो वीडियो में बता रखा है। ठीक है, वीडियो पार्ट वन में और पार्ट टू में, अगर आपको देखना है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर
पर आपको जो है रोजाना मतलब कई सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी मतलब मैथ की ट्रिक्स वगैरह भी देखने को मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के जरूर रखें। बस दोस्तों इस वीडियो में